बागेश्वर में आयोजित 3 दिवसीय नेशनल पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी चैंपियनशिप का शुक्रवार को समापन हो गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि विधायक सुरेश गढ़िया, जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहे सुनील कुमार को 50,000, द्वितीय पंकज सिंह मेहता को 30,000, तृतीय स्थान पर रहे मनीष उप्रेती को 20,000 का पुरस्कार प्रदान किया। बता दें कि उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में जालेख के केदारेश्वर मैदान में आयोजित राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्रतियोगिता में 31 पैराग्लाइडरों द्वारा प्रतिभाग किया गया। शुक्रवार को जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने जालेख के प्रशिक्षित पैराग्लाइडरों के साथ उड़ान भरी व लगभग 9 मिनट में केदारेश्वर मैदान में लैंडिंग की। सभी ने जिलाधिकारी के साहस की सराहना की। नेशनल मतलब चैंपियनशिप में जो मैं फर्स्ट आया हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और यहाँ की जो प्रशासन है, यहाँ के जो मतलब जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं, और अच्छा अनुभव हुआ सर। बद्रीनाथ की कृपा से फर्स्ट आया हूँ, तो थैंक यू सभी का। और यहाँ राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आपने प्रतिभाग किया, इससे पहले भी कहीं प्रतिभाग किया? जी, मैं पहले 6 इंटरनेशनल खेल चुका हूँ सर, और 3 नेशनल कॉम्पिटिशन, उसमें तो फर्स्ट पोजिशन आया नहीं, और फर्स्ट 12 जो मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है, इसलिए सबका थैंक्स करना चाहता हूँ। तो वहीं मुख्य अतिथि सुरेश गढ़िया ने संबोधित करते हुए पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता कराने हेतु उत्तराखंड पर्यटन विकास मंत्री, सरकार और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया, सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जनपद के सभी खेलों को प्रोत्साहित किया जाएगा, साथ ही कपकोट क्षेत्र के साथ साथ जनपद का सर्वांगीण विकास प्राथमिकता से किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने सभी के सहयोग की अपील की। प्रतियोगिताओं के सफलता के संचालन हेतु प्रशासन और पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन बागेश्वर की सराहना की और बधाई दी। बहुत सुखद आगाज कपकोट विधानसभा के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए है। जिस तरह से यहाँ पर राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता शुरू की गई है, तो उसके तहत बहुत अलग अलग प्रांतों से हमारे जो पायलट्स हैं वो यहाँ आए हैं, और यहीं कपकोट के ही कई पायलट्स उन्होंने भी यहाँ पर प्रतिभाग किया है, और हमारे हिमाचल के एक प्रतिभागी जो है उन्होंने इस फाइनल उसमें जो है जीत दर्ज की है, और बहुत यहाँ के लोगों ने इसको सराहा भी है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, पूरे देश प्रदेश में सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो पैराग्लाइडिंग है उसको एक नई ऊंचाई मिली है। जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने कहा कि सभी पैराग्लाइडिंग पायलटों ने इस राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया गया, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि सभी पैराग्लाइडर्स द्वारा कपकोट को पैराग्लाइडिंग के लिए बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि जनपद में प्रथम बार राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जो सफल रहा, ये सराहनीय है। भविष्य में ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास किया जाएगा। जो पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी चैंपियनशिप हुई है उसमें हमारे थर्ड स्थान पर हमारे मनीष उप्रेती रहे हैं जो भीमताल से हैं, और सेकंड स्थान पर हमारे पंकज मेहता जी जो भी भीमताल से, और फर्स्ट स्थान प्राप्त किया सुनील कुमार जी ने किया है जो इंडियन आर्मी से हैं। और मैं ये बहुत अच्छा एक प्रतियोगिता हुई, एकदम फ्लॉलेस हुई, यहाँ पर कोई ऐसा कोई इंजरी नहीं किसी को हुई है, सब बहुत फ्लॉलेस किया है, और जजेस ने बहुत अच्छे से काम किया है, और बहुत स्पोर्ट्समैनशिप से सभी पायलट्स ने इस प्रतियोगिता का प्रतिभाग किया है, और ये एक शुरुआत हुई है कि उत्तराखंड भी इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित कराए। अभी हम नेशनल चैंपियनशिप करा रहे हैं, भविष्य में इससे इंटरनेशनल चैंपियनशिप का बागेश्वर ही नहीं पूरे उत्तराखंड में, और भी हमारे बहुत अच्छे अच्छे हमारे स्थान है पैराग्लाइडिंग के, उसमें हमारे ये उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। देश विदेश से जब देश से हमारे चैंपियंस आएंगे, फिर हमारे विदेश से चैंपियन आएंगे, तो वो अपने आप में हमारा नाम लेंगे। और अन्य राष्ट्रीय खेल जैसे होते हैं उसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स भी एक बहुत हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा, उत्तराखंड जाना ही एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जाता है, तो इसी की दिशा में हमें काम करना है। दरअसल इस अवसर पर सभी पैराग्लाइडरों और जजों को सम्मानित किया गया, और सभी ने पैराग्लाइडिंग स्थल और व्यवस्थाओं की सराहना की। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।